नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके ऊपर। स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा, आज का भी वीडियो में रखा हुआ है गिव अवे टोटल 250 रुपीज़ का, जो कि आप ही लोगों को मिलने वाला है टॉप 5 लाइक एंड टॉप 5 कॉमेंट को जो भी करेगा उन लोगों के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम लोग जो बात करेंगे दोनों टीमों का फुल स्टैट्स, हेड टू हेड रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन एंड स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का क्या होने वाला है अपना टीम कम्बिनेशन। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि ग्राउंड क्या होने वाला है। ग्राउंड होने वाला है आर प्रिमादासा स्टेडियम, जो कि कोलंबो पर है। सुपर फोर का ये पांचवा मैच होने वाला है और 14 सितंबर को यह मैच खेला जाने वाला है। दोपहर के ठीक 3 बजे यह मैच होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर 2:30 में टॉस होने वाला है। 2:35 में लाइनअप देखने को मिल जाएगा। 2:40 से लेकर 45 के अंदर जो है आपको फुल एंड फाइनल टीम कम्बिनेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए हम लोग ग्राउंड के ऊपर डीप एनालिसिस करेंगे। उससे पहले बोल देते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है आपको फुल एंड फाइनल टीम कम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ? कितना? फुल एंड फाइनल जो है टीम कम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो गिव अवे विनर रहेगा उसका भी नाम अनाउंस टेलीग्राम चैनल पर किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर वाला बटन देखने को मिल जाएगा, ये वाला वीडियो यानी कि श्रीलंका पाकिस्तान का। अरे यहाँ पर मोर वाला बटन या तो फिर ऐसा है कि एरो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका सामने आ जाएगा ये वाला टेलीग्राम चैनल, जिसके नीचे जो है आपको ज्वाइन वाला बटन देखने को मिल जाएगा। ये ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो है आपको इस चैनल पर ज्वाइन कर लेना है। इन बाय चांस मान के चलो ये वाला लिंक काम नहीं करता है, उस दौरान आपको कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में ऐसा एक लिंक देखने को मिलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप ये वाला चैनल पर आ सकते हो और नीचे ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल के लिए ग्राउंड के ऊपर डीपली एनालिसिस कर लेंगे। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 270 से लेकर 280 है। इस ग्राउंड का हाईएस्ट टोटल हुआ 363 रन और लोएस्ट टोटल हुआ 70 रन। और ये पिच सुइटेबल है बैटर्स यानी कि बैट्समैन के लिए सुइटेबल है। वहीं पर बात करूं वेन्यू की, तो ये टोटल मैच जो है 132 खेला गया है ओडीआई का, जहां पर बैटिंग फर्स्ट ने 78 जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 54 जीता है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट का जीतने का चांसेस जो है ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहीं पर लास्ट 8 ओडीआई की मैच की बात करेंगे जो कि इस ग्राउंड पर खेला गया है, पेसर ने निकाला है 48 विकेट, स्पिनर ने निकाला है 74 विकेटें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पिनर का आंकड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिच जो है ज़्यादातर टाइम स्पिनर फेवर में होता है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हेड टू हेड बैटल क्या हुआ है उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि इस ग्राउंड पर कब कब मैच हुआ था, कितना कितना रन बना था। इंडिया श्रीलंका का बीच में मैच हुआ था, जो कि भाई पेसर 4 स्पिनर 16, 9 सितंबर का मैच हुआ, पेसर 14 स्पिनर 4, और तीसरा बार मैच हुआ पेसर 4 स्पिनर 6, 26 अगस्त को मैच हुआ, पेसर 9 विकटे स्पिनर 8 विकटे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पिनर का आंकड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल ही रहा है। अभी चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और देख लेंगे हेड टू हेड बैटल। इन दोनों के बीच टोटल 155 मैच खेला गया, जिसमें से 92 मैचेस जो है पाकिस्तान ने जीता है और 58 मैचेस जो है श्रीलंका ने विन किया। वहीं पर नो रिजल्ट 5 का आया हुआ है। लास्ट यहां पर बात करेंगे तो 5 मैचों की, तो श्रीलंका जो है 5 में से 4 मैच जीता है, 5 में से 4 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो 5 में से 3 मैच जीता है, 1 मैच हारा है और 1 मैच का नो रिजल्ट आया है। जीतने का चांसेस बताएं तो श्रीलंका का 30% है और वहीं पर पाकिस्तान का जो है 70% है। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और देख लेंगे अपना श्रीलंका का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। करुणा रत्न, निशांका, कुशल मेंडिस, सदीरा और आशालंका, सनाका, डी सिल्वा और आपका वल्लेज और यहाँ पर रजिथा, महेश तिक्साना और पथी राणा, ये कुछ होने वाला है प्रोबेबल प्लेइंग 11 श्रीलंका का। अभी बात कर लेते हैं इनका स्टैट्स के बारे में। करुणा रत्न 31% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट 83/1, 32/8/2, लास्ट मैच में 2 रन का पारी खेला है। खास इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लग रहा है, आप लोग अगर चाहो तो ट्राई कर लेना, मैं अपने साइड से ट्राई नहीं करने वाला। निशांका 59% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट 23/14/41/40/6। देखो निशांका सबको पता है, ऋतुराज गायकड़ का सौथेला भाई पकड़ सकते हो, है ना, अच्छा खेल जाता है, मौसी का लड़का भी बोल सकते हो, तो निशंका को टीम में रखना जरूरी है ना। वहीं पर कुशल मेंडिस की बात करेंगे, 74% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट 43/5
92, 60 और 15। देखो मेंडिस जो है अच्छा खेल जाता है यहाँ पर, देखो 43 फिर रन नहीं बनाया, 92 दोनों लगातार बनाया फिर रन नहीं बनाया। मुझे लग रहा है नेक्स्ट मैच में थोड़ा बहुत रन बनाकर जाएगा, मेंडिस को टीम में रख लेना। सदी राय 38% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट विकेट कीपर, 19, 54, 3, 93, 17। खास मुझे नहीं लग रहा, चाहो तो ट्राई कर लेना, मुझे नहीं लगता कि खास कुछ करके जाएगा। वहीं पर असलम का देखने को मिल जाएगा, 49% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 36, 62, 36, 10, 22 के साथ 4 विकेट। अबे यार 22 और 44 रन है ना, 22 और 44 रन। देखो असलम का जो है बढ़िया खेलता है, बढ़िया कैसे खेलता है देखो, अगर मान के चलो थोड़ा नीचे बैटिंग करने आता है, अगर मान के चलो श्रीलंका का टॉप फोर में से 3 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिर जाता है तो असलम का बैटिंग आ जाएगा, और असलम का उस दौरान तगड़ा खेल जाता है। इन बाई चांस असलम का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर भी होता है लाइक ऑन डाउन या टू डाउन, तो वहाँ पर भी जो है असलम आपको अच्छा खासा खेलता हुआ नजर आएगा। और इस वाले मैच में कहीं ना कहीं इसका विकेट ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि ओपोनेंट में पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो है बॉलिंग अटैक बहुत ही तगड़ा है, उसी वजह से विकेट गिरेगा तो असलम ही मैच को पकड़ेगा। तो असलम जो मुझे कहीं ना कहीं ड्रीम टीम, जो लोग ग्रैंड लीग का टीम बनाओगे वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने टीम में देकर चलना, किसको असलम को, ये चीज़ ध्यान रखना। सना का 44% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, राइट हैंड मीडियम, 14 के साथ 1, 5 के साथ 0, 24 के साथ 3 और 9 के साथ 0। देखो सनाका की बात करेंगे तो सनाका का जो परफॉर्मेंस है ना अपना इसके अगेंस्ट में, किसका बताऊँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमेशा अच्छा किया है, बॉलिंग से भी अच्छा किया है, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत अच्छा किया, उतना खास नहीं थोड़ा बहुत अच्छा किया है। तो सनाका को उस वजह से आप अपना टीम में रख सकते हो, है ना, विकेट जल्दी गिरेगा तो सनाका आकर मैच को पकड़ सकता है, तो सनाका भी एक अच्छा खासा कैप्टन वाइस कैप्टन से ऑप्शन होने वाला है नेक्स्ट मैच में। धनंजय डी सिल्वा 36% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 4 रन 2 के साथ 1 विकेट 14 के साथ 2 0 विकेट 41 के साथ 0 विकेट। मैंने जैसे कि बताया था धनंजय डी सिल्वा के बारे में, हमेशा बताता हूँ इसको अगर बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो ये अच्छा खासा स्कोर बनाकर दे सकता है। लास्ट मैच में किसी ने रन नहीं बनाया उतना खास तरीके से, बस सेकंड लार्जेस्ट रन बनाया अपना डीडी सिल्वा ने। तो डीडी सिल्वा है ही ऐसा खिलाड़ी, तो डीडी सिल्वा को अपने टीम में जरूर रखना, क्योंकि ये बॉलिंग करते हुए भी दिखेगा, बैटिंग भी करके देगा, विकेट गिरेगा तो बैटिंग भी आ जाएगा, और नेक्स्ट मैच में सिल्वा भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होगा एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी। वल्लेज 62% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 3 1 विकेट 32 के साथ 2 1 विकेट 42 के साथ 5 विकेट। तो ठीक ठाक खिलाड़ी है, अच्छा खासा खेल जाता है, और उसके साथ साथ स्पिनर पिच होने के कारण इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रेफर मिलेगा, नेक्स्ट मैच में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेफर मिल सकता है। रजिथा 30% सिलेक्शन, राइट आर्म फास्ट मीडियम, 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। ग्रैंड लीग में ट्राई करो, विकेट टेकर बॉलर है, सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम है, इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करो। जो लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो वो लोग रजिथा को अपना टीम में जरूर ट्राई करना। महेश सिक्सना 78% सिलेक्शन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 4 विकेट 2 विकेट 28 के साथ 1 3 विकेट 1 विकेट। स्पिनर पिच है तो भाई रखना तो पड़ेगा, अरे महेश सिक्सना है तो और भी ज़्यादा रखने का पड़ेगा। पाथिराना 61% सिलेक्शन, राइट आर्म फास्ट, 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। पाथिराना सभी को पता है अभी श्रीलंका का लगभग मेन बॉलर बना चुका है, कौन, किसको, पाथिराना को। तो पाथिराना तो डेथ में बॉलिंग करने आएगा तो विकेट तो लेकर जाएगा ही जाएगा। अगर पाथिराना को आप रख रहे हो तो ध्यान रखना, श्रीलंका का टीम अगर पहले बॉलिंग कर रहा है उसी दौरान पाथिराना को रखना, अगर मान के चलो श्रीलंका का टीम पहले बैटिंग कर रहा है उस दौरान पाथिराना को मत रखना, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। अभी चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर सनाका के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने नहीं बताया है ना। सनाका का क्या चीज़ है, अगर मान के चलो कि श्रीलंका का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है उस दौरान सबसे बेस्ट होने वाला है सनाका, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि विकेट गिरेगा सनाका पकड़ेगा वही मैच विनर बनेगा नेक्स्ट मैच में, तो सनाका का ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और हम लोग बात कर लेंगे पावर प्ले डेथ ओवर में कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा। रजिथा, महेश सिक्सना, पथिराना, डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा रजिथा, पथिराना और डी वल्लेज, ये कुछ खिलाड़ी जो है आपको बॉलिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट मैच पर। वहीं पर कुछ खिलाड़ी ये सब होने वाला है जो कि आपको बेंच में देखने को मिल जाएगा। अभी चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देख लेंगे कि हेड टू हेड और वेन्यू में क्या परफॉर्मेंस है। करुणारत्नी 2 मैच में 16 है पाकिस्तान के अगेंस्ट में और 5 मैच में 117 इस ग्राउंड पर, खास प्रदर्शन नहीं है ड्रॉप करके चलो। वहीं पर निशंक का हेड टू हेड में मैच नहीं है, 5 मैच में 198 है इस ग्राउंड पर, यानी कि कुल मिलाकर जो है 45 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, है ना। मेंडिस का बात करेंगे तो 3 मैच में 39 है कुछ नहीं, 13 मैच में 561 इस ग्राउंड पर भी आप पकड़ के चल सकते हो, 45 का इसका भी एवरेज है। समयरी कर्मा की बात करेंगे तो ग्राउंड पर मैच नहीं है, 3 मैच में 164 रन मारा है, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर समयरिका का जो है 70 का एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। असलम का हेड टू हेड नहीं है, 11 मैच में 492 रन और 4 विकेट निकाला है किसके अगेंस्ट में, सॉरी इस ग्राउंड पर,
तो असालंका का इस ग्राउंड पर अच्छा खासा प्रदर्शन है और नेक्स्ट मैच में भी थोड़ा बहुत एक आध ओवर असालंका को बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो असालंका एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 11 मैच में 492 रन मारा है, तो लगभग जो है इसका जो है 45 का 46 का जो है इसका भी एवरेज है कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पर। सना का 2 मैच में 111 के साथ 0 विकेट निकाला है, किसके अगेंस्ट में? पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो 2 मैच में 111, यानी कि कुल मिलाकर 2 मैच में जो है एवरेज 60 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 14 मैच में 211 के साथ 9 विकेट इस ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर भी विकेट लेकर गया है। धनंजय डी सिल्वा 1 मैच में 0 विकेट, 16 मैच में 343 के साथ 11 विकेट। रजिथा का अगेंस्ट में मैच नहीं है, 5 मैच में 4 विकेट इस ग्राउंड पर। वल्लेज की बात करेंगे, अगेंस्ट में मैच नहीं, 5 मैच में 58 के साथ 11 विकेट, तो वल्लेज का जो है इस ग्राउंड पर अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। महेश टिकसाना का अगेंस्ट में मैच नहीं है, 6 मैच में 11 विकेट इस ग्राउंड पर, तो यहाँ पर महेश टिकसाना का भी अच्छा खासा विकेट है इस ग्राउंड पर। पथिराना अगेंस्ट में नहीं है, 2 मैच में 2 विकेट निकाला है इस ग्राउंड पर, 2 मैच में 3 विकेट इस ग्राउंड पर। तो यानी कि पथिराना ऐसे भी श्रीलंका का भाई क्या बोलर है पता ही है, और अगर श्रीलंका का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है तो उस दौरान तो पथिराना को टीम में रखना ही है, और अगर पहले मान के चलो कि बैटिंग कर रहा है श्रीलंका का टीम, उस दौरान पथिराना को आप अगर चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए, तब पथिराना को ड्रॉप कर सकते हो। अभी चलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और बात कर लेंगे कि माई मास्टर 11 को मैं क्यों लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलता हूँ, क्योंकि माई मास्टर 11 जो है आपको प्रोवाइड करता है क्या? माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है, मैं यहाँ पर गिन कर दिखा देता हूँ, है ना। माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करेगा 100% मोनस एलिजिबल कॉन्टेस्ट, आपको देगा फ्री गिवअवे, आपको देगा हर डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा रियल कैश, आपको देगा हर डिपॉजिट पर नहीं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस, मेगा लीडर बोर्ड डिपॉजिट करके आप जो है इतना सारा प्राइजेस जीत सकते हो। 700 क्रेटा बाइक, KTM, R15, बुलेट और एवेंजर और स्कूटी, बहुत सारा चीज़ जो है माई मास्टर 11 पर जीत सकते हो। और ऐसे भी हर एक वीकेंड पर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्या प्रोवाइड करता है? जो लोग माई मास्टर का पुराना यूज़र है उन लोगों को पता है, क्या पता है? हर वीकेंड में आपको प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा रियल कैश, हर एक डिपॉजिट पर आपको प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा रियल कैश, उसके साथ साथ मैच में चलता है ये फ्री गिवअवे है, मतलब कुल मिलाकर दुनिया भर का, और नो GST, नो TDS तो है ही। उसके साथ साथ माई मास्टर 11 पर चलता है हर मैच में 25,000 से लेकर 1 लाख तक फ्री की वो है, जो कि आप फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आप जब भी ये माई मास्टर 11 एप्लीकेशन का डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते वक्त आप अगर ये रेफर कोड यूज़ कर लेते हो, Shakil44, ये वाला रेफर कोड अगर आप डाल लेते हो तो आपको फैंटेसी विनर की तरफ से मिल जाएगा ₹200 का एक्स्ट्रा रियल का टॉप 5 डाउनलोडर को। और अगर टॉप 5 के अंदर नहीं आ पाए, टॉप 6 में आ गए या तो 6वां 7वां नंबर पर आ गए, तो भी आपको ₹100 मिलने वाला है 5 से लेकर अनलिमिटेड, यानी कि कुल मिलाकर हर रोज़ आप लोगों को ₹200 करके मिलने वाला है माई मास्टर 11 पर, अगर मेरा रेफर कोड से डाउनलोड करते हो। जो लोग डाउनलोड एक बार कर लिया उनको तो नहीं मिलने वाला है फिर से, लेकिन जो लोग नया डाउनलोड करेगा उन लोगों के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ भाई इतना बहुत सारा ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आपको हर रोज 25,000 का फ्री गिवअवे देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हो, जल्दी जाओ माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। रेफर कोड जरूर से जरूर यूज कर लेना ताकि ₹200 का एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाए, उसके साथ साथ फ्री गिवअवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि पाकिस्तान का प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ से बात कर लेंगे। पहले फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद, सादाब खान, अशरफ अफरीदी, नसीम शाह और हरीश रॉफ, ये कुछ होने वाला है पाकिस्तान का प्रोबेबल प्लेइंग 11। हम लोग बात कर लेंगे कि पाकिस्तान का डीपली स्टार्स के बारे में। फखर जमान 27% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट, 14 मैच का मौका मिला, 27। देखो फखर जमान की बात करेंगे तो फखर जमान का जो है ग्राउंड में अच्छा खासा प्रदर्शन है, ग्राउंड में नहीं, एगेंस्ट में अच्छा खासा प्रदर्शन है और ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, जो कि आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा। तो फखर जमान मेरे ख्याल से 50-50 है ना, टीम में रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फखर जमान के ऊपर। इमामुल हक 48% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट, 3-5 मैच का मौका मिला, 78 और 9, ठीक ठाक खिलाड़ी है इमामुल हक, जो कि आप सभी को पता है ODI का बेस्ट खिलाड़ी है। बाबर आजम 86% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, 60-151 मौका नहीं मिला, 17-10। देखो बाबर आजम जो है ना, कोई मान के चलो कि कोई दुगला टीम के ऊपर अच्छा रन बना जाता है, जहां पर 151 बना कर गया नेपाल के अगेंस्ट में, फिर रन ही नहीं है, तो वही चीज़ है बाबर आजम के ऊपर थोड़ा उतना ज़्यादा भरोसा भी मत कर जाना, है ना। रिजवान की बात करेंगे तो 81% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, विकेट कीपर, 67-44 मैच का मौका नहीं मिला, 63 और 2,
रिजवान को टीम में रख सकते हो, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खासा प्रदर्शन देता है तो टीम में रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रोवाइड नहीं करूंगा लेकिन टीम में रख सकते हो। सलमान की बात करेंगे 10% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, राइट हैंड ऑफ ब्रेक 38 के साथ एक 5-0, 12 के साथ 0 और 23 रन है ना। सलमान जो है नेक्स्ट मैच में बॉलिंग करता हुआ आपको दिख सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इफ्तिकार अहमद 22% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, राइट हैंड ऑफ ब्रेक 17 के साथ 0, 109 मैच का मौका नहीं मिला, 1 विकेट 23 के साथ 0 विकेट। इफ्तिकार अहमद भी नेक्स्ट मैच में आपको बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है एक आध में, ठीक, एक आध ओवर। वहीं पर शादाब खान 78% सिलेक्शन, राइट हैंड बैट, लेग ब्रेक, 3 विकेट 4 रन, 4 के साथ 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। देखो शादाब खान को टीम में रखना है क्योंकि ये आपको बॉलिंग करके देगा और अगर बैटिंग का मौका आ जाए तो बैटिंग भी करके देगा, तो शादाब खान को टीम में रखना ही है। फाहिम अशरफ की बात करेंगे 18% सिलेक्शन, लेफ्ट हैंड बैट, राइट हैंड मीडियम, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। देखो अशरफ जो है ना ठीक है लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला बहुत नीचे की वजह से, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। और भाई इसको बॉलिंग भी नहीं मिलने वाला, शायद मिलेगा तो 2-3 ओवर मिलेगा, 4 ओवर मैक्सिमम, 5 ओवर मैक्सिमम, तो उस वजह से मैं फाहिम अशरफ को ट्राई नहीं कर रहा। साइन अफरीदी 90% सिलेक्शन, लेफ्ट आर्म फास्ट, 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। देखो पाकिस्तान का मेन बॉलर जो है साइन अफरीदी है तो भाई साइन अफरीदी को अपने टीम में रखना बनता है। वहीं पर नसीम शाह 49% सिलेक्शन, राइट आर्म फास्ट, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। देखो नसीम शाह को हम तभी ट्राई करेंगे अगर पिच में थोड़ा बहुत भी स्विंग देखने को मिलेगा। अब वो स्विंग कब पता चलेगा कि देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि टॉस के थोड़ा टाइम पहले बता देता है कि पिच में स्विंग है या नहीं है, यानी कि पिच रिपोर्ट जब भी आएगा उस हिसाब से हम लोग नसीम शाह को ट्राई करेंगे। अगर पिच पर स्विंग है तो नसीम शाह को रखेंगे, अगर स्विंग नहीं होगा तो हम लोग नसीम शाह को नहीं रखेंगे। हरीश राव की बात करेंगे 78% सिलेक्शन, राइट आर्म फास्ट, 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। देखो यहाँ पर रौफ की अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पर रौफ और साइन अफरीदी का दोनों का एक ही चीज़ हमेशा चलता आया हुआ, मैक्सिमम मैचेस में ऐसा होता है साइन अफरीदी विकेट लेता है तो रौफ को नहीं मिलता, रौफ लेता है तो साइन अफरीदी को नहीं मिलता, मैक्सिमम मैचेस में ये होता आया हुआ है। तो उसी वजह से मैं कोशिश करूँगा दोनों में से किसी एक को रखने का, लेकिन कोशिश करूँगा अगर टीम ने जगह नहीं बन पाया तो शायद दोनों को भी रख लो, है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और देख लेंगे पावर प्ले डे तो बार में कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग करने वाला है। स्ट्राइकर बॉलर में साइन अफरीदी, हरीश रॉफ और नसीम शाह, यही सेम तीन खिलाड़ी डेथ में आने वाला है, साइन अफरीदी, हरीश रॉफ एंड नसीम शाह। और बेंच में ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है, कोई किसी को अगर उठाने जैसा यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, सफीक को नहीं आएगा, मतलब किसी को लाने का कोई चांस ही नहीं है। नवाज को थोड़ा बहुत चांसेस है लाने का फाहिम अशरफ की जगह पर, चांसेस है, नॉट श्योर लेकिन चांसेस है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक पर आपको देखने को मिल जाएगा हेड टू हेड और ये फकर जमान 8 मैच में 328 अगेंस्ट पर, है ना। यहाँ पर जो है आपको 4.32-45 का एवरेज है फकर जमान का अगेंस्ट में, 2 मैच में 54, इस ग्राउंड पर एवरेज नहीं है खास भी। इमामुल हक 4 मैच में 178, इसका भी अच्छा खासा प्रदर्शन है थोड़ा बहुत, 2 मैच में 22 इस ग्राउंड पर, ग्राउंड पर किसी का भी प्रदर्शन नहीं है लेकिन प्रदर्शन है सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट पर। बाबर आजम 10 मैच में 496, 2 मैच में 70 इस ग्राउंड पर, रिजवान 5 मैच में 136 और 2 मैच में 69 इस ग्राउंड पर, सलमान का अगेंस्ट पर मैच नहीं है, 2 मैच में 61 के साथ 1 विकेट इस ग्राउंड पर। वहीं पर इफ्तिकार अहमद की बात करेंगे तो 2 मैच में 60 के साथ 0 विकेट, 2 मैच में 40 के साथ 0 विकेट। शादाब खान की बात करेंगे तो 7 मैच में 52 रन के साथ 13 विकेट निकाला है, वहीं पर 2 मैच में 4 विकेट निकाला है इस ग्राउंड पर। आपको देख यहाँ पर थोड़ा बहुत सही लग रहा है हेड टू हेड में। फाइव मतलब 3 मैच में 2 विकेट और ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेट, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत बिठाने का चांसेस मुझे लग रहा है ना। और यहाँ पर साइन अफरीदी का अगेंस्ट में मैच नहीं है, 2 मैच में 3 विकेट इस ग्राउंड पर, नसीम शाह अगेंस्ट पर नहीं है, 1 मैच में 0 विकेट इस ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड पर विकेट नहीं निकाला। हरीश रॉफ 1 मैच में 0 यहाँ पर भी, तो सिर्फ यहाँ पर साइन अफरीदी को मिला है 2 मैच में 3 विकेट, सिर्फ और सिर्फ साइन अफरीदी को मिला है, बाकी किसी को इस ग्राउंड पर नहीं मिला है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और देख लेंगे कि ग्रैंड लीग का बेस्ट पिक ऑप्शन कौन कौन सा होने वाला है, कौन कौन सा होने वाला है ग्रैंड लीग का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी। बेस्ट पिक ऑप्शन में आ जाएगा फकर जमान, अकबर सलमान और फाहिम अशरफ और नसीम शाह, ये कुछ खिलाड़ी है जो कि पाकिस्तान की तरफ से जीएल का बेस्ट पिक ऑप्शन में होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा करुण रत्नी और सदर आयस और आशालंका और रजिथा, ये कुछ खिलाड़ी, रजिथा नहीं, यहाँ पर आप रजिथा की बजाय आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में सनाका को ट्राई कर लो, है ना। सनाका जो है एक अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा एज ए ग्रैंड लीग का बेस्ट पिक ऑप्शन में, तो ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है ग्रैंड लीग का बेस्ट पिक ऑप्शन। वहीं पर ग्रैंड लीग का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर ध्यान देंगे तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, खुशाल मेंडिस, डी वल्लेज और आशालंका, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जो कि ग्रैंड लीग का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप मान के चल सकते हो। यहाँ पर और एक खिलाड़ी अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर आप जो है शादाब खान की जगह पर सनाका को ट्राई कर सकते हो, हाँ
शना का एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन से नेक्स्ट मैच के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी चलेंगे हम लोग और देख लेंगे अपना टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार देखने वाला है। अपना टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार देखेगा, विकेट कीपर में रखेंगे मोहम्मद रिजवान, बैटिंग में रखेंगे आशा लंका, बाबर आजम एंड फखर जमन, बॉलिंग में रखेंगे डी डी सिल्वा, वल्लेज और शादाब खान, है ना, और ऑलराउंडर पर रखे नीचे बॉलिंग में रखेंगे हरीश रॉफ, महेश सिक्सेना, साइन अफरीदी और नसीम शाह। ये जो नसीम शाह का प्लेस है ये मैं उठाकर एक ऑलराउंडर भी एक्स्ट्रा ले सकता हूँ जिसका नाम होने वाला है धसुन साना का, ये हो सकता है मैं रख सकता हूँ, नॉट श्योर। फिर भी फुल एंड फाइनल जो टीम कॉम्बिनेशन है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। तो देर ना करते हुए जल्दी जाओ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताते हुए जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जाना ताकि जैसे ही आगे कोई मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।